Hello everyone, welcome to our VIGYAN series, where we shall discuss various concepts related to the field of science and technology for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is Goldilocks zone. What is Goldilocks zone? अभी recently NASA news में आया है और NASA ने बोला है कि उसने Goldilocks zone में एक planet ढूंढा है जो Earth-like है. तो हम ये देखते हैं कि Goldilocks zone है क्या और ये news इतनी significant क्यों है? Alright, so let's begin. What will be covered in this video? सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि ये जो न्यूज आई है, ये जो फाइंडिंग्स है नासा की रिलेटेड टू गोल्डीलॉक्स जोन, ये है क्या. न्यूज को एक बारी ब्रीफली देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन, है ना. फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डीलॉक्स जोन, क्यों साइंटिस्ट इस जोन में इंटरेस्टेड है, क्यों बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं. एंड देन एंड में हम देखेंगे सर्टन साइंटिफिक टर्म्स वन नीड्स टू बी फेमिलियर विद, कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ व्हाट वाज इन द न्यूज, व्हाट्स इन द न्यूज. अभी रिसेंटली ना नासा का एक मिशन है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, टेस्ट मिशन. ठीक है, अब टेस्ट मिशन क्या है, नासा ने ना एक सैटेलाइट लॉन्च करी हुई है और उस सैटेलाइट पे नासा ने एक टेलीस्कोप माउंट करा हुआ है. अब वो जो टेलीस्कोप है ना, उसका काम क्या है कि ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना, सोलर सिस्टम के बाहर ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना जो अर्थ लाइक हैं और गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ते हैं. ऑलराइट, नाउ टेस ने एक ऐसा प्लैनेट खोज के दिखाया है, ऐसा ढूंढा है प्लैनेट, और उस प्लैनेट का नाम रखा है TOI 700D. नाउ जो टेस ने प्लैनेट फोटोग्राफ करा है ना, उसे कंफर्म करा है नासा के एक और मिशन ने जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप मिशन. ठीक है, और जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप मिशन है ना, उसने बेटर इमेज प्रोवाइड करी है. ठीक है, अब ये नासा का इकलौता मिशन नहीं है स्पेस टेलीस्कोप वाला मिशन. नासा ने पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे मिशन लॉन्च करे हैं जिनका काम है कि वो ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढे जो अर्थ लाइक है. सबसे फेमस इनमें था केपलर मिशन. केपलर मिशन भी टेस्ट से पहले एक ऐसा टेलीस्कोप था जो एक सैटेलाइट पे माउंट था, और उसका काम भी यही था कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स को आउटसाइड सोलर सिस्टम ढूंढा जाए. तो ये तो थी न्यूज. अब हम देखते हैं ये गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है. सो व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन. वेल, हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ऑलराइट, तो जैसे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो सन हमारे सोलर सिस्टम का स्टार हो जाएगा. अब हम जानते हैं कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है. अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज अर्थ पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है. और अर्थ पे लिक्विड वाटर पता है क्यों पॉसिबल है, बिकॉज अर्थ ना ऑप्टिमम दूरी पे है सन से. अर्थ इज नाइदर टू क्लोज टू सन नाइदर नॉर टू फार. ठीक है, अगर अर्थ प्लूटो की जगह पे होता या नेपच्यून की जगह पे होता तो उस तक सन की हीट ना पहुंच पाती और सारा वाटर, लिक्विड वाटर फ्रीज हो जाता. ठीक है, और अगर अर्थ टू क्लोज टू द सन होता तो अर्थ पे सारा लिक्विड वाटर बॉयल हो जाता, लिक्विड वाटर पॉसिबल ही ना होता. तो अर्थ के अराउंड ना एक ऐसा जोन एग्जिस्ट करता है जहां पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है. उस जोन को हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, या उस जोन को हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन. ऑलराइट, यहां पे आप इमेज में देखना सोलर सिस्टम की, ये सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं. तो जहां अर्थ और मार्स लाए करते हैं ना, वो है हैबिटेबल जोन, जहां पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है. और जिन जिन जगहों पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है वहां पे लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. ठीक है ना, अर्थ पे लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो वाटर से ही स्टार्ट हुई थी. ठीक है, तो ये तो हो गया सन का गोल्डीलॉक्स जोन. अब जो टेस ने प्लैनेट ढूंढा है ना 700D, वो एक स्टार है जिसका नाम है TOI 700. ऑलराइट, उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. नाउ एक है TOI C, एक है TOI B. राइट, जो TOI B है ना और जो TOI C है, ये दोनों बहुत ज्यादा सन के क्लोज हैं. बट जो TOI D है ना, ये ऑप्टिमम दूरी पे है क्योंकि यहां पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है. ऑलराइट, तो ये इतनी दूरी पे लाई करता है इस पर्टिकुलर स्टार से, TOI 700D, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है. और इसीलिए साइंटिस्ट को लगता है कि शायद यहां पे अर्थ लाइक लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, है ना. तो जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, ये स्टार है और ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसके अराउंड, दिस इज द गोल्डीलॉक्स जोन और द हैबिटेबल जोन. और इसी गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करता है हमारा प्लैनेट TOI 700D. ऑलराइट, नाउ
सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस मिशन. अभी ये जो मिशन था इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या है. ये जो प्लैनेट ढूंढा गया है ना TOI 700D, इट इज 20 टाइम्स लार्जर देन अर्थ. ठीक है, ये अर्थ जितना ही ऑलमोस्ट बट 20% उससे ज्यादा है. ठीक है, एंड दिस प्लैनेट इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ दैट सिस्टम, दैट स्टार सिस्टम. ठीक है, वो जो स्टार है ना उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट हैं. जो TOI 700D है ये आउटर मोस्ट है, और ये जो आउटर मोस्ट है यही ऐसा प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक्स जोन में लाए करता है. ओके, एंड द ओनली वन इन द स्टार्स हैबिटेबल जोन, ये लाइन भी लिखी हुई है. ऑलराइट, नेक्स्ट, इट ऑर्बिट्स ए स्टार वंस एवरी 37 डेज. 37 डेज में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है. ऑलराइट, एंड रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू 86% ऑफ द एनर्जी दैट द सन प्रोवाइड्स टू द अर्थ. ठीक है, जितनी एनर्जी सन प्रोवाइड करता है ना अर्थ को, 86% ऑफ दैट एनर्जी ये प्लैनेट रिसीव करता है अपने ही स्टार से. अच्छा, ये जो स्टार है ना, इस स्टार का नाम है TOI 700, और जो प्लैनेट्स हैं उनका नाम दिया हुआ है TOI 700 BCD. ऐसे स्टार का नाम है TOI 700. इट इज एन M ड्वार्फ स्टार. ये M ड्वार्फ स्टार क्या होता है ये अब हम थोड़ी देर में देखेंगे, स्लाइड के एंड में. ओके, एंड इट इज लोकेटेड जस्ट ओवर 100 light years अवे इन द सदर्न कॉन्स्टेलेशन डोराडो. क्लियर, तो हम ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इस पॉइंट को थोड़ी और डिटेल में देखेंगे कि M ड्वार्फ स्टार क्या होता है, डोराडो कॉन्स्टेलेशन क्या है, ये सारी चीजें. हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो स्टार है ना, इट इज 40% ऑफ आवर सन्स मास एंड साइज. जितना सन का साइज है उसका 40% है, एंड हैज अबाउट हाफ इट्स सर्फेस टेम्परेचर. ठीक है, जितना टेम्परेचर सन का है उससे आधा इस स्टार का है, और ये 40% है साइज में. ऑलराइट, चलिए, नाउ व्हाई इज दिस फाइंडिंग सिग्निफिकेंट, या व्हाई इज गोल्डीलॉक्स जोन सिग्निफिकेंट. वेल, हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स. है ना, क्या अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, या यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है. ऑलराइट, नाउ साइंटिस्ट का सबसे बेस्ट गैस क्या है, वो प्लैनेट्स जो गोल्डीलॉक्स जोन में लाए करते हैं वहां पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है, और जहां पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है वहां पे अर्थ लाइक लाइफ पॉसिबल हो सकती है. इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी का पात्र बन जाता है. इसीलिए हम इस चीज को लेके क्यूरियस हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन में जो प्लैनेट लाए करते हैं क्या वहां पे लाइफ है, और अगर वहां पे लाइफ है, एलियन लाइफ है, तो मे बी वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स. दैट इज वाई हम सबकी जिज्ञासा और हम सबकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है गोल्डीलॉक्स जोन में. ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड इन वाटर, एंड वाटर इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ एज वी नो इट. हम जानते हैं पानी से ही जिंदगी शुरू हुई थी अर्थ पे, लाइफ ही स्टार्ट हुई थी. तो अगर इन प्लैनेट्स पे लिक्विड वाटर पॉसिबल है तो शायद इन प्लैनेट्स पे लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, अब ये जो फाइंडिंग है ना, या गोल्डीलॉक्स जोन है, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स आंसरिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स. है ना, तो क्या एलियंस हैं, एलियन लाइफ पॉसिबल है, क्या ऐसे प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम सबका बहुत ज्यादा ध्यान है, उन क्वेश्चंस को आंसर करता है रिसर्च इन गोल्डीलॉक्स जोन. ऑलराइट, चलिए अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम अपनी वीडियो के, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी फेमिलियर विद. बहुत सारे टर्म्स यूज हुए थे इस वीडियो में, तो हम वो देख लेते हैं उन टर्म्स की डेफिनेशन, ताकि प्रीलिम्स में अगर इन पे कोई सवाल आ जाए तो यू आर बेस्ट, मतलब यू हैव इनफ नॉलेज टू आंसर देम. सबसे पहले हमने वर्ड यूज करा एक्सोप्लैनेट. एक्सोप्लैनेट क्या होता है? अ प्लैनेट दैट इज आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई प्लैनेट लाए करता है तो वो एक्सोप्लैनेट कहेंगे. ठीक है, अब एक हमने करा था M ड्वार्फ स्टार्स. M ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं? वेल, ये वो स्टार्स होते हैं जो सन से छोटे होते हैं. ये सन के साइज के भी एक फ्रैक्शन ही होते हैं, थोड़ा परसेंट ही ये सन का साइज होता है, और थोड़ा परसेंट ही इनकी ल्यूमिनोसिटी होती है सन के कंपैरिजन में. ल्यूमिनोसिटी मतलब लाइट. दीज स्टार्स हैव अ मियर फ्रैक्शन ऑफ सन साइज एंड ल्यूमिनोसिटी. ठीक है, सन की जितनी लाइट है ना उसके कुछ परसेंट ही इन M ड्वार्फ स्टार्स की लाइट होगी. नाम से ही पता चल रहा है ना, ड्वार्फ स्टार्स, ये छोटे स्टार्स हैं. ऑलराइट, और जो सन का साइज होगा उससे कम ही इनका साइज होगा. बट दे आर मोर देन 10 times एज न्यूमरस. है ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं. हैं ये छोटे, सन के साइज के मुकाबले काफी छोटे हैं, बट ये ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं यूनिवर्स में. ठीक है, प्लैनेट सर्कलिंग एन M ड्वार्फ स्टार मस्ट बी इन अ क्लोज ऑर्बिट टू दैट स्टार टू बी वार्म इनफ फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट.
ठीक है। अब ये जो प्लैनेट है, ये जो स्टार्स हैं, ये छोटे हैं, बिकॉज ये छोटे हैं तो ये कम हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी एमिट करेंगे, तो इनसे ज्यादा दूर होंगे ना प्लैनेट्स, तो वहां पे लिक्विड वाटर नहीं पॉसिबल होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए प्लैनेट्स को ना थोड़ा इनके पास होना पड़ता है ताकि वहां पे इतनी हीट हो कि लिक्विड वाटर पॉसिबल हो। ऑलराइट, देन केपलर मिशन क्या है? केपलर मिशन, इट इज अ रिटायर्ड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय नासा टू डिस्कवर अर्थ साइज प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। टेस्ट मिशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक पॉइंट है टेस्ट मिशन के बारे में, वो देख लेते हैं। इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप फॉर नासाज एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम डिजाइन टू सर्च फॉर एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स हमने देख लिया अभी, डिजाइन टू सर्च फॉर एक्सोप्लैनेट्स इन एन एरिया 400 टाइम्स लार्जर देन दैट कवर्ड बाय केपलर मिशन। केपलर मिशन जहां जहां देख रहा था ना, उससे ज्यादा एरिया में देख सकता है टेस्ट मिशन, 400 टाइम्स ज्यादा एरिया में देख सकता है टेस्ट मिशन। ऑलराइट, नाउ एक और चीज हमने अभी देखी थी, वो था डोराडो स्पेस कॉन्स्टेलेशन। अब डोराडो स्पेस कॉन्स्टेलेशन क्या है? आपको पता है ना कॉन्स्टेलेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है ना, ये ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो एक स्वॉर्ड फिश की शेप में है, एक फिश की शेप में ये कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं इस इमेज में, ये जो कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स का, ये स्वॉर्ड फिश की शेप में है। अच्छा, इसका नाम है डोराडो स्पेस कॉन्स्टेलेशन एंड इट इज अ कॉन्स्टेलेशन इन द सदर्न स्काई, साउथ में जो स्काई पड़ेगा उसका, विद अ शेप लाइक दैट ऑफ स्वॉर्ड फिश। इस कॉन्स्टेलेशन में लाई करता है T700 स्टार, और उस T700 स्टार के अराउंड एक प्लैनेट घूम रहा है T700D, जिसको हम कहते हैं, जो प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक्स जोन में है, और वहां पे शायद लिक्विड वाटर पॉसिबल है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी ये जो न्यूज और गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, ये खत्म होता है। नाउ वील कम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं या आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा जा चुका है। तो गोल्डीलॉक्स जोन ना कोई नई चीज नहीं है, गोल्डीलॉक्स जोन जोन के बारे में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में 2015 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या था? द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन ए द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, regions inside the earth where shale gas is available, C, search for earth-like planets in outer space, and option D, search for meteorites containing precious metals. I am absolutely, absolutely, absolutely sure ke is question ka sare log hi sahi answer karenge. So I won't even request you to write the answer in the comment section below. But if you want to, then please do. We are always ready for your comments. Alright? So I'll see you next time with more videos. Thank you.